हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मुझे मशरूम चिली खाने का बहुत मन कर रहा है क्योंकि बारिश का टाइम भी आ गया, मानसून आ गया जैसा कि आप लोगों को पता है, और साथ ही साथ सावन भी आ गया। तो आप सबको हैप्पी सावन, और आज से सावन स्टार्ट है तो अब तो नॉनवेज बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो हम लोग सोचे कि चलो आज घर पर ही मशरूम चिली बनाते हैं क्योंकि मुझे आता है अच्छे से बनाना, तो बाहर से लाने से अच्छा है कि घर पर बनाओ, कौन जाएगा बारिश में भींग भींग के खाने। तो मस्त वाला आज जाएंगे मशरूम चिली और उसके साथ चाउमिन बनाएंगे, तो चलिए बनाने चलते हैं। मशरूम चिली में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या? मशरूम, तो वो हम लोगों ने काट के रखा है इधर, और कुछ बचा हुआ है उसको फटाफट काट लेते हैं। बड़ा बड़ा है तो उसको 4-5-6 भाग में कर ले रहे हैं, छोटे छोटा है तो उसको गोटा भी डाल सकते हैं। तो इसको 2 ही भाग, और ये काफ़ी बड़ा है तो इसको 4। मशरूम को अच्छे से धो दिए हैं, देख सकते हैं पूरा एकदम फ्रेश साफ साफ दिख रहा है। और ये है अरारोट चिल्ली का बैटर के लिए रेडी करने के लिए, और ये है मैदा। दोनों को कम मात्रा में मिला लेंगे, और इसमें थोड़ा सा चिल्ली, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 2-4 दाना गोल की, हो गया है। तो अभी तक थोड़ा सा जो है, तो थोड़ा सा इसमें फ्लेवर के लिए चिली सॉस भी डाल सकते हैं। चिल्ली है ये, टमाटो सॉस, सॉरी टमाटो सॉस, और ये चिली सॉस। अब इसमें डालेंगे पानी और इसको अच्छे से मिलाएंगे। बैटर हो चुका है रेडी, तो देख सकते हैं ऐसा ऐसा पतला सा आप बैटर भी बना सकते हैं। और इसमें हम लोग डालेंगे अब सारा मशरूम। तो बैटर में डाल के इसको, अब इसको डालना है डीप फ्राई के लिए, तो अब हम इसको डालेंगे। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, थोड़ा सा बात करते करते ज़्यादा ही तेल बना लिया, उसको थोड़ा कम कर लेते हैं। तो चाउमीन में इतना तेल तो नहीं लगेगा, ठीक है। और इधर मशरूम फ्राई हो रहा है, और इधर आज बनाएंगे मस्त वाला। तो इसमें है लहसुन अदरक हरी मिर्च प्याज शिमला मिर्च, ये है चाउमीन के लिए। और इसको भी डाल के पहले लहसुन अदरक, जले ना एकदम हरा हरा दिखने चाहिए। प्यार फ्राई कर लेते हैं।
मशरूम को क्या खाऊंगे। और ये होते हैं चाइनीज चाउमीन मसाला, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, अच्छे डाल रहे हैं क्योंकि हम यही डाल के बनाते हैं, बस कुछ से बनता है चाउमीन। ये देखिए चाउमीन, तो इसको डालिए अपनी मस्त वाली चीज़ डालिए इसको। तो चाउमीन हो गया डन और अब बचा है चिली, और इसके लिए हम लोगों ने ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा प्याज काटा है, शिमला मिर्च, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, सेम चीज़ लगता है, वो ज़्यादा कुछ लगता नहीं, बस यही बनता है। तो अभी पहले हम लोग पैसे दे दीजिए, थोड़ा सा कम है और थोड़ा डाल दें क्योंकि सब्जी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और ये बैटर जो मशरूम के लिए हम लोगों ने डाल के उसको फ्राई किया था वो बच गया, तो उसमें हमने थोड़ा सा पानी, चिली सॉस, तो दे देंगे टमाटो सॉस, इसमें अंदाज से डाल दो, वनीगर से बाद में डालेंगे, सोया है नहीं तो हमें सोया यूज नहीं कर रहे हैं, जो है जितना है उतना ही हम लोग बना देगा फटाफट। इसमें थोड़ा टेस्ट मानी थी लहसुन और अदरक का टेस्ट भी डाल सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा टेस्ट देगा, तो टेस्ट डाले लहसुन अदरक हरी और नमक, और ये भी डाले कि मैंने थोड़ा सा मैंने बनाया है वो भी जारी रखी थी, मैंने इसमें ये डाली है। तो फाइनली हमारा खाना आज बन गया, और आज डिनर में हम लोगों का मशरूम चिली और चाउमीन, क्योंकि अब नाश्ता खाना जो भी था काफ़ी टाइम लग गया, बनाते बनाते डिनर का टाइम हो गया और आज हम लोग खाने में यही खा रहे, तो एक ही जगह हम लोग सारा चीज़ ले आया है। तो देख सकते हैं ये हमारा मशरूम चिली, आओ कुत्ता भी भागेगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये है चाउमीन। यस 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 निकालो, हर्ष को सर्व करते हैं, हर्ष बताएगा, गेस्ट है हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, ये बताएंगे कैसा बना, कैसा बना है। अब
लोग तुरंत बना लेते हैं। तुरंत आज का इंसिडेंट तो बताएंगे, भारी नींद हो गया था, दो घंटा लगा है इसको बनाने में। खाइए और अपना रिव्यू दीजिए। ऐसा रिएक्शन कैमरा दे दो भाई यार, सही में मस्त है। मशरूम चिल्ली है ना। हाँ। क्या बोले, बहुत अच्छा। अपना तारीफ तो हम हमेशा करते रहते खाते खाते। बहुत अच्छा है। बना मेरी मम्मी से पूछ सकते हैं, मम्मी मेरी बहुत तारीफ करती है। अच्छा, बहुत बढ़िया बनाया। दोनों बेटी मेरा एकदम लायक है खाना में, बोलने का बात ही नहीं। चलो एंड करो जल्दी, होटल में अगर कहीं काम पड़े तो बेटी लोग नहीं। तो बहुत ज़्यादा भूख लगा है, हम जा रहे हैं फटाफट खाने, वेट नहीं हो रहा। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, और मुझे पता है आप लोग वो देख के मुँह में पानी आ रहा, तो आप लोग भी मेरा वीडियो देख के घर पर बनाइए और खाइए। और चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।